दंतेवाड़ा में भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए नक्सली हमले में शहीद हुए अपने नेताओं को याद किया और 15 साल से पैर जमा बीजेपी को पिछले चुनाव में उखाड़ फेंका था, इस तरह इस बार भी विधानसभा में उन्हें छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस द्वारा जो वादा किया गया था वह वादा कांग्रेस ने निभाया है और आज पूरे बस्तर में शांति का माहौल है। नामांकन का कल आखिरी दिन और आज हम लोगों ने नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला में नामांकन भी कराया, रैली भी की और आज हम लोग यहाँ संकल्प सभा में उपस्थित हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं और 5 साल पहले जब हम लोग आए थे तो परिवर्तन का संकल्प लिए थे। उसके 5 साल पहले शहीद नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्या भैया तमाम नेता परिवर्तन यात्रा में आए थे। बीजापुर भी गए, दंतेवाड़ा भी गए, सुकमा गए, लौटते में जीरम घाटी में षड्यंत्र पूर्वक नक्सली हमला कराया गया और हमारे प्रथम पंक्ति के प्रदेश के सब नेता शहीद हो गए। वो संकल्प परिवर्तन यात्रा अधूरी थी, अधूरी रह गई, लेकिन 2018 में आप सब ने मेहनत की, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और 15 साल से पैर जमाए हुए भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की सरकार को न केवल उखाड़ फेंका बल्कि 15 सीट में आपने समेट के रख दिया। प्रधानमंत्री आए थे, नगर नहर का उद्घाटन करके चल दिए, क्या करेंगे नहीं बताए। इनकी निगाह पड़ी हुई है, ये बैला डीला खदान, ये नगर नहर स्टील प्लांट, यहां के मिनरल्स पे इनकी निगाह है। नहीं चाहते कि आदिवासी यहां रहे। 15 साल के राज में आदिवासियों के हाथ नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिया या फर्जी इनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी। यह है भारतीय जनता पार्टी। उनके जमीनें लूट ली, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, उनको इलाज के लिए भी दर दर भटकना पड़ा, उनके लघु वनोपज अरे महुआ तक को 2 रुपया किलो में खरीदने की व्यवस्था इन्होंने की थी और यही दंतेवाड़ा और बीजापुर के हमारे महुआ बीनने वाले लोग सड़क में फेंक दिए थे, याद है? ये वो लोग हैं। और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लोहानी गुड़ा की जमीन तो वापस, कवासी लखमा बोलते हैं भाषण में, मैं तो पढ़ा नहीं, स्कूल में कभी गया नहीं, लेकिन मेरे बस्तर के बच्चे आज अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। 15 साल 20 साल बाद बच्चे बड़े होंगे, यही बच्चे बस्तर के IPS और IAS बनेंगे, हमारी छाती भी चौड़ी होगी। यह अवसर कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस सरकार ने आपको दिया है। यह आपकी सरकार है, आपके लिए सोचती है। और ये लोग किसके लिए सोचते हैं? ये आपको तो दुश्मन मानते हैं, जेल में ठूसने काम करते हैं। हमारी सरकार है, आपको जेल, जितने लोग अंदर थे सबको बाहर कर, 1700 से अधिक लोगों को बाहर करवा दे जेल से। उनके जो पीड़ित थे नक्सल पीड़ित उनके लिए मकान बनाने का काम किया, देवती भाभी के साथ जाकर उनको चाबी हमने दिया, उनके रहने की व्यवस्था की, शिक्षा के रोजगार की व्यवस्था हमने की। रीपा के बारे में बात हो गई, गौठान के बारे में बात हो गई, आज दंतेवाड़ा बदल रहा है, बस्तर बदल